दुनिया की सबसे ऊंची हाईवे टनल शनिवार को देश को समर्पित हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद करीब 10,000 फीट ऊंचाई पर अटल रोहतांग टनल का शनिवार को लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल टनल को सुरक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण बताया ही, साथ ही हिमाचल के विकास में अहम योगदान देने वाला बताया। पीएम ने कहा कि इस टनल से मनाली और लेह के बीच सफर आसान होगा, समय बचेगा, साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इस टनल से मनाली और केलांग के बीच इसकी दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी। पहाड़ के मेरे भाई बहन समझ सकते हैं कि पहाड़ पर 3-4 घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है। साथियों, ले लद्दाख के किसानों, बागवानों, युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी, उनका जोखिम भी कम हो जाएगा। यही नहीं, ये टनल देवधरा हिमाचल और बुद्ध परंपरा के उस जुड़ाव को भी सशक्त करने वाली है जो भारत से निकलकर आज पूरी दुनिया को नई राह, नई रोशनी दिखा रही है। इसके लिए हिमाचल और लेह लद्दाख के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2014 के बाद अटल टनल के निर्माण कार्य में अभूतपूर्व तेजी लाई गई। पहले ये सुरंग हर साल 300 मीटर बनती थी, हमने 1400 मीटर हर साल किया। पीएम ने कहा कि अगर पहले की गति से काम होता तो टनल के निर्माण कार्य में अभी 20 साल और लगते। एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से अटल टनल का काम उस समय हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से काम चला होता तो ये सुरंग साल 2040 में जाकर के शायद पूरी होती। आप कल्पना करिए, आपकी आज जो उम्र है उसमें 20 वर्ष और जोड़ लीजिए, तब जाकर लोगों के जीवन में ये दिवस आता, उनका सपना पूरा होता। जब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ना हो, जब देश के लोगों के विकास की प्रबल इच्छा हो, तो रफ्तार बढ़ानी ही पड़ती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से इस सुरंग को काफी महत्वपूर्ण बताया। साथ ही हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल टनल प्रदेश के लिए वरदान होगी, इससे लाहौल के लोगों का जीवन सरल होगा, साथ ही प्रदेश के पर्यटन में भी बढ़ावा मिलेगा। मैं मानता हूं कि जहां देश की जनता को यह समर्पित है टनल, वहीं पर हमारे सीमा की सुरक्षा करने वाले सेना के जवानों के लिए समर्पित है और सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए भी यह विशेष रूप से समर्पित है, क्योंकि हमारे सेना का जवान भी पीस टाइम में अपने शरीर का पसीना बहाता है और अपने शरीर का पसीना पीस टाइम में भी इसलिए बहाता है कि यदि वार टाइम आ जाए तो हमें कम रक्त बहाना पड़े, इसलिए पीस टाइम में वो अपने जिस्म का पसीना बहाता है, यानी लगातार अपने दायित्व का निर्वाह करता रहता है। इस टनल के बन जाने के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से पर्यटन भी बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा तो इस क्षेत्र में रहने वाले बहुत सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। और आज ये टनल जब बन करके तैयार हो रही है, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी बाधा लाहौल के लोगों के लिए रहती थी। 4 महीने के लिए आना जाना बंद हो जाता था, कोई बीमार हो जाता था, हमें कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर भेजो, और हेलीकॉप्टर भी अगर हम भेजते तो परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती कि रोहतांग दर्रे से वापस मुड़ना पड़ता था, मौसम खराब होता था, हवाएं बहुत तेज चलती हैं। ऐसी परिस्थिति में, बहुत कठिनाई के दौर में से जब लाहौल के लोगों को गुजरना पड़ता था, वो भी बहुत सरल हो गया। इस टनल का बहुत बड़ा योगदान पर्यटन की दृष्टि से भी रहेगा। पर्यटन
के लिए हमने टनल टूरिज्म को आपस में जोड़ने का एक कार्यक्रम बनाया है, वृहद कार्यक्रम बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल टनल को बारीकी से निरीक्षण किया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने टनल के लिए बस को हरी झंडी भी दिखाई। इस बस में 15 लोगों ने सफर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल के उद्घाटन के बाद लाहौल के सिसु और मनाली के सोलंग वैली में एक जनसभा को भी संबोधित किया। न्यूज PHH रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। पहनेंगे तो लोग देखते रह जाएंगे, आपके वेलकम में 4 चांद लग जाएंगे, आएंगे तो पसंद करके ही जाएंगे। ट्रेंडिंग, आरामदायक और किफायती सूट, शेरवानी और ब्लेजर्स, द ब्लेजर्स मनोहर सिंह एंड सन्स, लोअर बाजार शिमला। नन्ही कली सोन परी। नहीं, पानी तो मिला दो। 6 महीने तो होने दे। दूध पी रोज दादी ना दे दो। जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध समझी। अरे वाह।